Hello and welcome to all. So today we are going to learn about articles. Already we had learned the uses of a and an for UKG class and class 1. So this is the syllabus of class 2 to class 5, that is primary classes syllabus. So the articles are of three kinds: a, an, and the. So let's start with the articles a and the. सो ए और एन, ये जो ए और एन ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, मीन्स अनिश्चित आर्टिकल. इनको हम जिनके भी सामने यूज करते हैं, जरूरी नहीं हो कि वो चीज हमें पहले से, वो बात हमें पहले से मालूम हो, इसीलिए अनिश्चित होते हैं. द डेफिनेट आर्टिकल, इन्हें हम तभी यूज करते हैं जब कोई चीज हमें पहले से मालूम होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. ए इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद द कंसोनेंट साउंड. जब ए के बाद जो वर्ड आता है वो कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, तब हम वहां पे ए का इस्तेमाल करते हैं. तो ध्यान रखना, कंसोनेंट से नहीं, कंसोनेंट साउंड से. कंसोनेंट साउंड क्या क्या होते हैं देखिए, ये सारे मैंने कंसोनेंट लिखे हैं, तो इसमें से जो आवाज आती है, जैसे बी का ब, सी का क, या कहीं कहीं पे स, डी का ड, एफ का फ, ग, ह, ज, क, ल, म, न, प, क्वा, र, स, ट, व, वा, स, य, ज. तो ये जो आवाज आनी चाहिए, तब हम वहां पे उसके आगे ए लगाते हैं. और एक रूल होता है ए लगाने वाले, ए जहां पे हम जिन शब्दों के पहले लगाते हैं, वो है ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, काउंटेबल नाउंस. ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है. ए का मतलब ही होता है एक, तो सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल जिनकी हम गिनती कर सके. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. यहां पे मैंने चार फ्लैश कार्ड रखे हैं, एक मंकी, डॉग, वॉच, नेस्ट. म कंसोनेंट साउंड, सो आई विल राइट ए हियर, अ मंकी. ए को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि वो अकेला होता है, तब वहां पे ए को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, सो अ मंकी. डॉग, अ डॉग, कंसोनेंट साउंड. अ वॉच, अ नेस्ट. अंडरस्टैंड, मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर. लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल. इनको हटा करके मैं और भी एग्जाम्पल यहां पे लिख देती हूं. यू कैन इजीली रिमेम्बर एग्जाम्पल, ए बॉल, ए कप, ए कैट, ए चाइल्ड. सब सिंगुलर है, ध्यान दोगे, सब सिंगुलर. ए टेबल, तो इसको लिखा मैंने ए है, पर जब मैं बोलूंगी अ बॉल, अ कप, अ कैट, अ चाइल्ड, अ टेबल. अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट वी सी द आर्टिकल एन. एन, एन इज यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ वावल साउंड. एन का यूज हम तभी करते हैं जब नेक्स्ट वर्ड, मीन्स उसके बाद जो वर्ड आता है, उसका जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, वो वावल्स से शुरू हो. सो व्हाट आर वावल्स? ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, ओ, अ. अंडरस्टैंड? तो साउंड याद रखना है आपको, ना कि वर्ड. अगर वर्ड ए से स्टार्ट है पर फिर भी उसका साउंड ए नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम एन नहीं लगाएंगे. तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना है. और एक एन में भी और एक रूल आपको याद रखना है, एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, काउंटेबल नाउंस. इसको भी हम सिंगुलर काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं और जो अकेला है वहीं पे यूज करते हैं. तो ए और एन बिल्कुल जुड़वे भाई जैसे हैं, बस हमें याद रखना है. तो कंसोनेंट और वावल का, एन वावल साउंड एंड ए फॉर कंसोनेंट साउंड. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. यहां पे मैंने ये तीन चीज लिखी है, अम्ब्रेला, एप्पल, ईगल. अम्ब्रेला, अ, सो एन अम्ब्रेला. अ का साउंड आ रहा है, इट इज अ वावल. एप्पल, ए,
एंड एप्पल अगेन वावल का साउंड आ रहा है, ईगल ई. सो एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ईगल. तो जहां पे भी वावल का साउंड आएगा वहां पे हम एन लगाएंगे. लेट्स सी अदर एग्जाम्पल्स. एन अंकल, एन अंकल, एन अगली गर्ल, अ. एन आइसक्रीम. तो इन तीनों में भी आप देख रहे हो साउंड आ रहा है वावल का, तो इसीलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, एन. एक एक्सेप्शन का एग्जाम्पल दे रही हूं, एन एमएलए. देखो एम इज अ कंसोनेंट बट आई एम राइटिंग हियर एन. व्हाई? बिकॉज साउंड इज एम. एन आवर, साउंड इज अ. स्टार्ट विथ कंसोनेंट बट साउंड लाइक अ वावल, आवर. तो एक्सेप्शन की ऑलरेडी मैंने क्लास ली हुई है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल डाले हैं. एन यूरोपियन, एन एमएलए और एन आवर तो डाला है, एन यूनिकॉर्न, मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर. सो नाउ लेट्स सी अनदर आर्टिकल, आर्टिकल द. तो ए और एन तो आपको समझ में आ गया, साउंड पर हमें ध्यान देना है. और एक चीज जो ध्यान देना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. नाउ लेट्स सी द आर्टिकल द. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द. वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट. द के थोड़े से रूल्स अलग है, थोड़ा याद रखने की जरूरत है. तो इसमें जो बेसिक यूजेस है वो मैं आपको बता देती हूं. व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन. यूनिक मीन्स सिर्फ एक होता है वो चीज और वहां पे वो अकेला होता है, तब हम द का यूज करते हैं. सिर्फ एक और हम जानते हैं कि वो एक है. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आप देख रहे हो, वॉट इज दिस, दिस वन इज मून. सो मून सिर्फ एक है, तो यहां पे क्या लगेगा एग्जाम्पल में, द मून. और एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, वॉट इज दिस, दिस इज अ फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल. ये विक्टोरिया मेमोरियल का बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, तो ये भी सिर्फ एक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी, द विक्टोरिया मेमोरियल. वॉट इज दिस, दिस वन इज सन, सूरज. सन सिर्फ एक होता है, सो द सन. वॉट इज दिस, दिस इज कुतुब मीनार. ओनली वन कुतुब मीनार इज देयर, सिर्फ एक ही कुतुब मीनार जो हम जानते हैं, तो यहां पे भी मैं क्या लिखूंगी, द कुतुब मीनार. वॉट इज दिस, ताजमहल. ओनली वन ताजमहल इज देयर, द ताजमहल. वॉट इज दिस, अर्थ. सो आई एम राइटिंग हियर द अर्थ. यहां पे मैं दी बोल रही हूं, दी अर्थ. दी अर्थ मैंने क्यों बोला, इसीलिए मैंने दी कहा कि जब द का यूज वॉवेल साउंड के आगे लगता है तब हम उसको दी कहते हैं, इसीलिए यहां पे मैंने दी अर्थ कहा. और कंसोनेंट साउंड के आगे जब द का यूज होता है तब हम उसको द कहते हैं. दी अर्थ, दी एंड, इस तरीके से जब यह यूज होता है तो दी लगाते हैं. तो ये द का एक यूज मैंने देख लिया. नेक्स्ट यूज, वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज प्रीवियसली मेंशन. जो मैं पहले से ही मेंशन कर चुकी हूं. सपोज ये लड़की है, ये देखो दिस इज अ गर्ल, ओके, हर नेम इज मोना. ये एक लड़की है और इसका नाम क्या है, मोना है. देखो तो यहां पे जो सेंटेंस मैं बता रही हूं, मोना वियर ए ड्रेस, मोना ने एक ड्रेस पहनी है, दिख रहा है सबको, मोना ने एक ड्रेस पहनी है. द ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये ड्रेस बहुत सुंदर है. तो यहां पे मैं क्या कह रही हूं, द ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल,
यहाँ पे द क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये ड्रेस को पहले बोल चुकी हूँ, प्रीवियसली मेंशन कर चुकी हूँ ड्रेस के बारे में, इसलिए जब मैं दूसरी बार इस ड्रेस के बारे में बोल रही हूँ तो मैं वहां पे क्या यूज कर रही हूँ? द। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा सोना, ठीक है, ये मोना लिख दिया मैंने, सोना या रिया या पिंकी। पिंकी बॉट अ टॉय, पिंकी ने एक खिलौना खरीदी एंड द टॉय इज वेरी क्यूट, टॉय बहुत सुंदर दिखता है, तो वहां पे भी द लगेगा, द टॉय इज वेरी क्यूट, क्योंकि टॉय के बारे में मैंने पहले से ही बता दिया है। तो ये समझ में आ गया, समथिंग दैट इज प्रीवियसली मेंशन्ड। सो सी द नेक्स्ट यूज ऑफ द। इज यूज, वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शन दिशाओं की बात करते हैं तब द यूज करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जब हम दिशाओं की बात करते हैं या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तब भी हम वहां पे द का यूज करते हैं। तो ये तीन जो बेसिक यूजेस ऑफ द है ये आपको याद रखना है। और एक जो मेन चीज याद रखनी है वो ये कि द इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो द में कभी भी ये रूल नहीं लगता कि वो सिर्फ सिंगुलर के आगे यूज होता है या प्लूरल के आगे यूज होता है। द कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सो आई थिंक वी हैड इजिली कवर अप द यूजेस ऑफ ए एन एंड द। तो इसकी बेसिक यूजेस हमने बहुत आसानी से देख ली है, हमें समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। जो मेन पॉइंट्स जो मैंने बताया, वावल साउंड, कंसोनेंट साउंड एंड सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, बाय।